मेरा जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते मीडिया से सुनते हैं, अखबार में सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो आज जान रहा मेरा गांव है छुटमलपुर, जो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक गांव, अब तो कस्बा हो गया। और मैं पढ़ने के लिए जा रहा था विदेश, मैंने लॉ की थी, वकालत की पढ़ाई, मेरे पिता चाहते थे कि मैं जज बन, इसलिए उन्होंने मुझसे LLB की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहा, और मैंने वो पढ़ाई भी दिल लगा के पूरी की। लेकिन जैसे मेरे जाने का समय आया और मेरे पिता ने जो जमीन या जो पूरे जीवन की उनकी कमाई थी, एक एक पैसा जुटा के उन्होंने जो इकट्ठा किया था, उसी समय मेरे पिता बीमार पड़ गए। अभी दो दिन पहले आप लोग दिवाली का त्यौहार मना रहे थे, मेरे आज भी अच्छी तरह से याद है दामोदर भाई, जिस दिन दिल्ली में मेडिकल रिपोर्ट आई मेरे फादर की, उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। इधर लोग अपने घरों में त्यौहार मना रहे थे, उधर मैं अपने बीमार पिता के साथ और मेरे सामने वो रिपोर्ट थी, कल मैंने लाइव अभी आपके सामने अपना दम रखा। जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी और कैंसर का नाम सुनते मेरे पैरों तले की जमीन धड़क गई, मुझे लगा कि अब मेरे पिता नहीं बचेंगे। पिता हॉस्पिटल में थे, मैं बाहर आ गया कैंटीन में और मैं 2 घंटे रोता रहा और मेरे आंसू पूछने वाला भी नाम कोई नहीं। मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या आया, लेकिन मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि आप जितने लोग यहां बैठे हो जिनके पास पिता हो, अपने दिल में हाथ रख के पूछो कि एक बेटे के लिए पिता क्या होते हैं, अपने दिल में हाथ रख के सोचो। चाहे वो 7 साल का क्यों ना हो, अगर उसके पिता जिंदा है तो उसके पिता उसके हीरो होते हैं, सुपरमैन होते हैं उसके पिता। अगर वो अपने पिता से कुछ भी कह दे, उसको ये एहसास नहीं बचपन में कि पिता कहां से लेके आएंगे, लेकिन पिता लेके आते हैं, पिता उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और मैं एक ऐसा बेटा हूं, मेरे याद है जब मुझे जूतों की जरूरत थी, मेरे पिता के जूते भी फटे हुए थे, मेरे पिता ने मेरे लिए जूते अरेंज किए और वो खुद टूटी हुई चप्पलों में रहे, मैंने देखा अपने पिता या पानी वाले। तो बहुत दिन मैं अपने पिता के साथ रहा अस्पताल में, फिर एक ऐसा समय आया, दिन था 11 जनवरी 2013 का सुबह के 4 बजे और मैं जाग रहा था अपने पिता के साथ। मेरे पिता ऐसे बैठे हुए थे मेज पे हाथ रख के हॉस्पिटल में आई सुना, 4 बजे उन्होंने हाथ हमें पीछे किए और मॉनिटर में जो लाइन चल रही थी सांसों की वो सीधी हो गई और मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जब मुझे पता लगा कि एहसास हुआ कि मेरे पिता मुझे छोड़ के चले। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको ये तकलीफ भी बताना चाहता हूं कि मैंने अपने पिता को क्यों खोया। अगर मैं पैसे वाला होता या देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होती कि जो इलाज अमीरों को मिलता है वो इलाज गरीबों को भी मिल जाता, जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है वो किसान मजदूर मेहनत कर लोगों को भी मिल जाती, तो आज चंद्रशेखर के पिता मेरा हीरो जिंदा होता। लेकिन क्योंकि देश में गरीबों का, किसानों का, कमेरों का, मेहनत कर लोगों का कोई वजूद नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। मैंने पिछली सभा में भी आपको बताया था कि सड़क पे कोई किसान मरा पड़ा रहे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर एक पशु मर जाए उस पर भी खबर बन जाएगी मगर उस किसान की कोई खबर नहीं मिलेगी। तो मैंने अपने पिता को खो दिया और मेरे इस बीच में हॉस्पिटल के समय में मेरे पिता से मेरी बहुत बात हुई। उनका कहना था कि सबने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से जो फल मिला संविधान के अधिकार के रूप में उसका फायदा तो उठाया, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के दुख को कम नहीं किया, किसी ने भी माननीय काशीराम साहब के अलावा किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के दुख को उनकी पीड़ा को समझने का काम नहीं किया। और एक बाप होने के नाते उन्होंने मुझसे बेटा होने के नाते इशारे में कहा कि चंद्रशेखर तुम भी विदेश चले जाओगे, पढ़ लिख के कामयाब हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे, सेटल भी हो जाओगे, लेकिन अपने लोगों के लिए
दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान जैन सिख बौद्ध ईसाई ये जो कमजोर लोग हैं इनके लिए मैं कुछ करना नहीं चाहता। तो जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया सम्मानित मेरे परिजनों उस दिन मैंने ये वादा किया कि मैं अब अपना पूरा जीवन अपने पिता के पूरा जो अधूरा सपना उनके मन में जो पीड़ा रह गई है कि देश के हर एक व्यक्ति को वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो भारत का संविधान सबके लिए देता है, मैं इस जीवन को उस काम के लिए लगाऊंगा। और 2013 से 2023 में हम लोग प्रवेश करके मेरे पास बहुत रास्ते थे, मैं चाहता किसी भी पार्टी का पिछलकू बन जाता, बहुत ऑफर थे आप जानते हो मेरे लोगों, मैं MP MLA बन के घर में बैठ जाता, सुख सुविधा वाला हो जाता, लेकिन जो आग मेरे अंदर लगी थी कि आप लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है वो पूरी नहीं हो पाती, वो आग ठंडी नहीं हो पाती। मैंने जिस दल में सारा ज्यादा से ज्यादा जीवन बिताया मैंने उनसे प्रयास किया, किसी कारण से मैं सफल नहीं हो पाया। फिर मैंने ये तय किया कि इतने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो सकता, इसलिए हमने और असल में सबसे बड़े ज्ञान तब मिला जब मुझे 16 महीने के लिए बंद कर दिया गया। आपने अगर आपको याद हो मेरा अपराध मात्र यह था कि मेरे लोगों के हाथ काटे गए, उनकी हत्या की गई, उनके घर जलाए गए और मैंने उस अन्याय को सहन नहीं किया, फिर मुझे जेल भेजा गया। मैं 16 महीने जेल में रहा, 10x6 कोर्ट में जब पैर फैलाते थे एक तरफ सर लगता था दूसरी तरफ पैर लगते थे, वही 3.5 फीट में शौचालय बना हुआ था, वही नाना, वही फ्रेश होना, वही खाना, वही पढ़ना, वही सोना। और 16 महीने में दिन लगाओगे 500 से ज्यादा दिन होते, मैंने एक एक दिन इस बात के साथ काटा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा और इनको इनके पैरों पर जब तक खड़ा नहीं कर देता मैं किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटूंगा। हर कोई राजनीति अपने मकसद के लिए कर रहा है, किसी का मकसद है कि उसके पास पैसे आ जाए, किसी का मकसद है कि उसका बड़ा सा घर बन जाए, किसी का मकसद है उसकी संपत्ति बच जाए, किसी का मकसद है कि उसके पास गाड़ी घोड़े सब तमाम चीजें आ जाए। लेकिन मेरे जीवन में एक लक्ष्य है कि बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत, माननीय काशीराम साहब के सपनों का भारत बने, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, हमारे संतों गुरुओं बुद्ध से